पे होती है, नेताओं पे होती है। सीबीआई की कार्रवाई भी जो है वो आम आदमी पार्टी पर होती है या फिर केजरीवाल पे होती है या फिर सिसोदिया को घेरा जाता है। अडानी मामले में इतना बड़ा जो शेयरों की गड़बड़ी का मामला है, लेकिन अभी तक बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, आखिर क्यों? मैं इस बात को गहराई से कह सकता हूँ कि मेरे जो आम आदमी पार्टी के मित्र हैं उनको एनबर्ग का वास्तव में क्या वो रिपोर्ट आई है और किस साल पे आई है उसकी जानकारी भी नहीं होगी। अगर चैनल पे बोल देंगी आपकी आवाज तो को शिवम जी, वो आपकी उसका आवाज में जानकारी दुरुस्त अभी शिवम जी हो करें, मुझे जाएगा। जानकारी दुरुस्त करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो जितने भी आंकड़े रखे हैं वो मेरी सारे स्पष्ट आंकड़े हैं। बात सुन लिया, मेरी बात सुन ली, मैंने धैर्यपूर्वक सुन ली, मैंने कोई आपकी इंडिकेट नहीं किया था। दूसरी बात, आपने अभी बात कही अडानी अंबानी पता नहीं कौन कौन सी बात कह रहे शिवम थे जी आप, आपकी मैंने आवाज सीधे में सीधे बहुत, बात नहीं की। आपकी मेरा आवाज में आवाज आ बहुत, रही आपको, मेरी आवाज आ गया आपको? सॉरी, मैं सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। ठीक है, बार बार जी नेटवर्क इशू है। आप बताएं, अपना पक्ष रखें आप। हाँ, धन्यवाद संध्या जी। एक्चुअली टेक्निकल एरर था। देखिए, मैं कह हेलो। रहा था जवाब तो इन दोनों पार्टियों को देना होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है। आज जिस परिप्रेक्ष्य में हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, भ्रष्टाचार जो है दोनों ही पार्टियों में चरम सीमा पर है, चाहे वो अडानी जी के साथ हो या केजरीवाल जी के साथ हो। ये अपने आप को जो है गंगा जल से धुला हुआ नहीं देख कह सकते, ना ही ये अपने आप को ईमानदार जो है प्रमाणित करने की जो कोशिश करते हैं कर सकते हैं। जो सवाल आप ये उठा रहे हैं, अगर वही उंगलियां अपनी ओर देखें तो तीन उंगलियां इनको भी कुछ कहती हैं कि कृपया अपने ग्रेबान में भी झांक लीजिए और देख लीजिए कि आपके राज में कितने घोटाले हुए हैं। और रही बात अडानी जी की, अडानी जी को तो जो है गुजरात बंधुओं को जो है आज के दिन जो है भगवान विष्णु के यहाँ से जो है अवतार अवतरित हुए हैं मोदी जी, उनको जो है अभय दान दिया है। इस देश में जो भी चाहे जितना लूटे लूट ले, देश को जो है कोई किसी भी एंगल पे जाके जो है कोई जाके नहीं बैठाई जाएगी। अगर कोई दूसरी पार्टी का व्यक्ति या कांग्रेस का व्यक्ति उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करता है तो सारी एजेंसियां उनके पीछे लगा दी जाती है, ईडी पीछे लगा दिया जाता है, सीबीआई लगा दिया जाता है, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है। अब आप स्वयं देखिए, इस देश को लूटने का जो ठेका है ना, पूरे गुजरात बंधुओं ने ले रखा है। इससे पहले भी गाय बजाए बहुत से कांड हुए हैं, उन कांडों में भी मैं एक दो नाम आपको गिनवा देता हूं। हर्षद मेहता का जो है बहुत चर्चित कांड था, वो भी बीजेपी के टाइम में हुआ, उस समय भी जो है गुजरात बंधु थे। आज जो अडानी जी और अंबानी जी जो इस देश में चला रहे हैं वो भी जो है गुजरात बंधु है। और हमारे जो महा बड़बोले जो है प्रधानमंत्री जी, वो भी गुजरात से ही है। तो गुजरात को जो है एक तरह से वरदान मिल गया है कि इस देश को लूटो और इस देश की संपत्ति को जो है गाय बजाए अपने प्रकार से जो है यूज करो। इन्होंने ना तो जो है रेलवे को छोड़ा, ना शिपिंग कॉर्पोरेशन को छोड़ा, ना गैस को छोड़ा, ना पेट्रोलियम का छोड़ा, ना जो लोगों की जीवन दायनी एलआईसी होती थी जीवन के पहले भी और मृत्यु के बाद भी, उसको भी ये बेचकर खा गए। अगर ये इतने ही ईमानदार हैं तो इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है संसद है, उस संसद में पूछे गए सवालों के जवाब इन लोगों को देने चाहिए थे और जनता को जो है रूबरू कर देना चाहिए था। लेकिन ठीक है भारद्वाज जी, मेरा जो सवाल है वो ये है कि जब मामला अडानी से जुड़ा है तो मोदी को घेरने की वजह मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, वो मैं ये सीधा सीधा जो है आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगाऊंगा। पहले जो है अडानी जी जो है अपना जहाज बेचकर मोदी जी को बुलाते थे, आज मोदी जी जो अपना जहाज बेचकर जो इनको साथ ले जाते हैं और विदेशों में अपनी जितनी भी सेल कंपनियां हैं उनके द्वारा जो है फंडिंग इन्वेस्ट करने का जो है एक प्रलोभन देते हैं। और गाय बजाए जो हमारी इस देश की गरिमापूर्ण जो पद है प्रधानमंत्री का, उसका दुरुपयोग कराते हैं। श्रीलंका में जो है अभी इन्होंने जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जो कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो, वहां उसकी रिपोर्ट में पार्लियामेंट में भी कहा गया कि मेरे ऊपर दबाव बनाया गया
कॉन्ट्रैक्ट जो है अदानी कंपनी को दूं, तो ये अगर मित्रता इतनी निभानी है तो देश को जो है आजाद करे, प्रधानमंत्री का जो है पद त्याग दे और अपनी मित्रता को निभाए, फिर देखते हैं कि अडानी जी की संपत्ति कितने 1000 करोड़ पर